मोमेंट यू विल राइट अबाउट कि किन दो बातों की बारे में हम सोच रहे हैं इसमें, तो इमिडिएटली आपको पता चल जाएगा कि इट इज बोथ आर इंक्रीजिंग और दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कि एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ मेन की बात हो रही है, तो लेट अस मेक द टेबल। ओके, मेन, हाउ मेनी आर मेन, एंड नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ ट्रेंच, लेंथ ऑफ ट्रेंच। ओके, आपको बेटा बोर्ड इज क्लियर, एवरीबॉडी कैन सी इट? यस ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू थिंग्स, हाउ मेनी आर मेन एंड उसकी लेंथ ऑफ ट्रेंच कितनी है। फर्स्ट दे आर सेइंग 11 मेन, फर्स्ट केस है जो वी आर टॉकिंग अबाउट 11, एंड दे डिग्ड 6 3 by 4 meters। ओके, नेक्स्ट केस में अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट मेन एंड वर्क डन दैट इज 27 meter लॉन्ग, दिस इज 27 meter एंड दिस इज अननोन, दिस इज क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर आपको क्लास में मैम ने करवाया है कि इसको आप एक्स पोज कर लोगे जो फाइंड आउट करना है, तो यू कैन राइट हेयर एक्स ऑल्सो, आपकी मर्जी है। थिंग इज यू शुड नो कि हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन मार्क डालोगे देन ऑल्सो यू नो दिस इज मिसिंग एंड अदरवाइज मिसिंग जो वैल्यू होती है उसको हम एक्सपोज करते हैं ऑलवेज, तो वी हैव टू राइट एक्स ऑल्सो। ठीक है बेटे, एंड फ्रॉम द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस वी नो कि 11 मैन कैन डू दिस मच वर्क। नाउ वर्क इज मोर, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ज्यादा अगर लेंथ हमें डिक करनी है तो हमें ज्यादा मैन की जरूरत पड़ेगी। इज इट सो और नॉट? अगर 11 मैन 6 3 by 4 meter डिक कर सकते हैं, तो ज्यादा मैन चाहिए आपको या कम मैन चाहिए इसके लिए, 27 meter के लिए? जस्ट थिंक इट, ज्यादा चाहिए। ओके, ज्यादा चाहिए, तो इट मीन्स आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। आप अपने एरो फॉर्म में उसको लिख सकते हो कि बोथ आर इंक्रीजिंग। ओके, जो गिवन वैल्यू है उससे हमें पता चल रहा है कि वो इंक्रीज हो रही है लेंथ, तो ऊपर भी ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। वी हैव कम टू नो कि ज्यादा मैन जो है वो ज्यादा काम करेंगे, सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, इन फ्यू स्कूल्स दे से कि ओके दिस इज मस्ट टू राइट, क्योंकि आप जैसे ही आपने डायरेक्ट लिखा टीचर को पता चल जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। कई बार क्वेश्चन में कैलकुलेशन में रॉन्ग हो जाता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसके एक आधा मार्क्स कटेगा, बट 1 mark यू विल गेट टिल हेयर कि आपको ये पता है कि वो डायरेक्ट है। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग। ओके, द मोमेंट यू राइट इट, इसका मतलब आपको स्टेटमेंट समझ आ चुकी है। अब जब आपके पास केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो अपना फॉर्मूला लगा दो, दैट इज x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2। ओके, इसमें x क्या चीज है, x हम इसको सपोज कर रहे हैं और y हम इसको सपोज कर रहे हैं, इसका मतलब कि x1 आपके पास ये हुआ, y1 आपके पास ये है, x2 आपके पास ये वाला है और y2 आपके पास ये वाला है। यहाँ पे टेबल में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, सो दैट आपकी वैल्यूज यहाँ पे ठीक पुट की जाए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे लिखनी है। ओके, दिस इज 11 by 6 3 by 4, पहले तो हमें 6 3 by 4 को रफ में करना पड़ेगा, 6 3 by 4 को, प्लीज डू इट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते ऐसे, प्लीज फाइंड इट।44 इज आंसर। ओके, हु हैव फाउंड, रेज योर हैंड। ओके, लेट एवरीबडी डू, वेरी गुड, 44 इज द राइट आंसर, यू नो दिस इज, यू नो हाउ टू डू इट, दिस वॉज सिंपल, 27 by 4। 27 by 4, यस वेरी गुड, 27 by 4। तो यहां से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एवरीबडी नोज 11 × 27 / 27 × 4, 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो फ्रैक्शन में था। ठीक है, द मोमेंट यू डू इट, इट विल बिकम 44, 27 27 कट जाएगा, बहुत इजी कैलकुलेशन थी, तो एक्स इज इक्वल टू 44 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। ऑलराइट,
यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी मैम यस फॉर एवरीबडी? सबको इजी लगता है ये चैप्टर? मैम यस यस। सिर्फ आपको ये सोचना है कि बिगनिंग में आपको ये सोचना है कि डायरेक्ट लगेगा या इनडायरेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट मॉड्यूल में बाई चांस सही आ रहे हैं, डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमारे सब में हम रेशियो कर रहे हैं कि सबकी रेशियो सेम आनी चाहिए। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट विद असर्शन रीजन। यस फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन में स्टेटमेंट को यू हैव टू रीड ट्वाइस, क्योंकि आपको पहले तो ट्रू और फॉल्स के बारे में सोचना है। जैसे ही ट्रू फॉल्स आप लिख देते हो तो आपका आंसर ठीक या गलत में कन्वर्ट हो जाता है कि हाँ ये आपके मार्क्स मिलने वाले हैं इसके या नहीं। तो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ट्वाइस कि उसको ट्रू बताने के लिए या फॉल्स बताने के लिए। ओके, आई एम रीडिंग इट। असर्शन, इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई इन द रेशियो एक्स पॉन वाई इज इक्वल टू के, देन दे आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। एट ई फर्स्ट बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं, बेटा अपने अपने मॉड्यूल से करो आप, ओके, शेयर नहीं करनी। आपका अपना मॉड्यूल है ना आपके पास, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, यूज योर ओन ब्रेन, ओन माइंड यूज करो स्टेटमेंट में। आई एम रीडिंग अगेन, इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई द रेशियो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के, अगर उनकी रेशियो के आ रही है, कॉन्स्टेंट आ रही है, देन दे आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ट्रू और फॉल्स? कोई बताएगा ट्रू और फॉल्स? ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है? ट्रू ट्रू, यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की आपकी डेफिनेशन क्या है? ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इनका मतलब क्या है कि एक्स पॉन वाई, एक्स पॉन एक्स वन बाय वाई वन is always equal to constant. Similarly, x2 by y2 is also equal to constant. Same constant. Constant का मतलब ये नहीं कि किसी में 2 आ गया, किसी में 3 आ गया, किसी में 5 आ गया। एक क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी जो वैल्यू आएगी x1 by y1 is equal to, जो वैल्यू आएगी वही x2 by y2 की आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ध्यान से समझ लो इधर, दिस इज अ बेसिक नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर ये बहुत ईजी है, कैलकुलेशन आपको करनी आ गई है। प्लीज अंडरस्टैंड बेसिक टू थिंग्स, डायरेक्ट वाली और इनडायरेक्ट वाली। ठीक है बेटे, डायरेक्ट की बेसिक थिंग आपको ये याद रखनी है कि अगर हमारे क्वेश्चन में ये टू रेशियो हमें दी हुई है, x1 by y1, x2 by y2, अगर आप 11 by 27 by 4 किया आपने, इसका जो वैल्यू आएगी यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू x2 by y2। ऑफ कोर्स कहीं भी आप चेक कर लो उसकी वैल्यू सेम आएगी यहाँ पे और यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट है। चाहे यहाँ पे 10 वैल्यूज लिख लो, चाहे मैं इसको टेबल को आगे एक्सटेंड कर दू, ठीक है, यहाँ पे 10 वैल्यूज लिख लो आप, एक्स थ्री बाय वाई थ्री, एक्स फाइव बाय एक्स वाई फाइव, एक्स सिक्स बाय वाई सिक्स, कुछ भी लिख लो। अगर आपको ये पता चल गया कि वो डायरेक्ट का क्वेश्चन है, केस ऑफ डायरेक्ट है, जैसे हमने बिगनिंग में लिखते हैं दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उनकी रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट आएगी, मतलब आप उनको डिवाइड करके देख लोगे उनकी सेम वैल्यू आएगी। दिस इज द पर्पस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हैव यू अंडरस्टूड? Yes. तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कि अगर x एंड y में x by y is equal to k है, अगर x by y is equal to k है, अगर उनकी रेशियो इज इक्वल टू k है, तो हम बोलेंगे कि x और y दोनों डायरेक्ट में हैं। प्लीज मार्क इट, दिस इज डेफिनेशन, इसको स्टार लगा लो। ठीक है, नॉर्मल ट्रू फॉल्स में भी ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है आपको एग्जाम में। दिस इज ट्रू रीजन, two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase or decrease together. Together तो ठीक है, आपको पता है, in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant. खुद रीड करो इसको एक बार और बताओ मेरे को ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू, रेशो हैंड जो जो बोल रहे हैं कि ट्रू है, कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटली जो बोल रहे हैं कि ट्रू है, एक्सेलेंट। एट ई में से किसी ने नहीं हाथ खड़ा किया। हैव यू रेड द स्टेटमेंट ई सेक्शन? दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू।
अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो रेज योर हैंड। 8 थी से किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ था। एक्सेलेंट बेटा, आपको डायरेक्ट के लिए, एक्सेलेंट, वेरी गुड, नीचे करो है। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए आपको 3 चीजें देखनी है। फर्स्ट थिंग, या तो दोनों इंक्रीज होने चाहिए इकट्ठे, या फिर दोनों डिक्रीज होने चाहिए। तीसरी चीज कि उनका रेशियो इज शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, वही सब इसमें लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो कौन सी ऑप्शन होगी आपकी? ए ऑप्शन, यस, बोथ आर रिलेटेड ऑल्सो। डायरेक्ट के बारे में बताया हुआ है ऊपर भी और नीचे भी, दिस इज ए ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, असर्शन, इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई इंप्लाइज, सॉरी, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। बेटा ये जो एक्स का जो सिंबल बना हुआ है, एक्स डायरेक्टली, आई एम राइटिंग यार, उसके बाद मैं इसको क्लीन करती हूँ। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये जो साइन होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का होता है। ओके, आप साइंस में भी पढ़ोगे इसको, अभी तक नहीं पढ़ा तो, ये साइंस में भी वर्ड यूज होता है आपका। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये साइंस से हमें पता चल जाता है। जैसे आप कॉन्ग्रेंसी का साइन करते हो, तो वैसे आपको ये भी साइन है कि हाँ, ये साइन हमें ये शो करता है कि एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। ओके, दिस इज रिटन हियर, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई इंप्लाइज एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इज इट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू। ओके, ये न्यू साइन है आपके लिए, प्लीज अंडरस्टैंड। इस साइन से आपको ये पता चलता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये भी डेफिनेशन है, इसको भी स्टार लगा लो। जो चीजें आप पहली बार देख रहे हो यहाँ पे, आपकी बुक में मेंशन तो की हुई है, लेकिन आप कई बार मिस कर देते हो वहां से, तो यू शुड नो इट कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो साइन होता है, दैट इज दिस साइन। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट बेटा। ओके, रीजन, इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन 1/x एंड 1/y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। एसर्शन हमारे पास ट्रू था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। और रीजन, रीजन दिया सही कि एक्स, इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, देन एक्स इज एक्स 1/x एंड 1/y की बात हो रही है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थिंक ऑफ इट, दिस इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। हाउ? रीजन बताना पड़ेगा। सी, इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मींस कि एक्स वन बाय वाई वन आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। सपोज कर लो ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ठीक है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है, सपोज। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू के है। ओके, इसका मतलब है कि एक्स वन बाय वाई वन शुड बी इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू, अगर डायरेक्ट कहते हो तो ये होना चाहिए, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट बोलते हो तो वो अनइक्वल होने चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू, यही होना चाहिए ना। डायरेक्ट है तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों की, जो आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, के होने चाहिए, बोथ शुड बी इक्वल टू के, ठीक है। लेट अस चेक फॉर दिस, इसके लिए चेक करो, एक्स टू बाय वाई टू के लिए 1/x डिवाइडेड बाय 1/y, इट इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। यू नो दिस इज वाई बाय एक्स, पता है आपको? ऊपर रेशियो है, नीचे रेशियो है, जब इसको ओपन करेंगे तो दिस विल बी वाई बाय एक्स, डू यू नो इट? ये रिवर्स हो जाता है ना, पता है ना आपको, तो यहाँ से y बाय एक्स बन जाएगा। तो y बाय एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू 1/k, क्योंकि x बाय वाई हमारे पास k था, तो ये हमारे पास 1/k आ रहा है। इसका मतलब है कि एक्स टू एक्स वन बाय वाई वन हमारे पास, वाई वन इज इक्वल टू हमारे पास k था, और एक्स टू बाय वाई टू हमारे पास क्या आ रहा है, 1/k। दे आर नॉट इक्वल, उनका कॉन्स्टेंट इक्वल नहीं है, तो क्या वो डायरेक्ट होंगे या इनवर्स होंगे? अगर उनका कांस्टेंट सेम नहीं है तो वो डायरेक्ट होंगे क्या? दे विल नॉट बी डायरेक्ट, ठीक है, दे विल बी इनडायरेक्ट। तो हमारी स्टेटमेंट ये आ रही है ट्रू।
दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. अगर आपको रीजन लिखना है यू कैन राइट दिस रीजन कि 1/x एंड 1/y जो है वो इज इक्वल टू 1/kr है, इसलिए. ओके दिस इज ट्रू एंड इसमें आपकी असर्शन भी ट्रू था, रीजन भी ट्रू था, तो इसकी कौन सी ऑप्शन आएगी? बी ऑप्शन. प्लीज मार्क इट. किसी को कोई डाउट लग रहा है यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी, ठीक है? क्योंकि अभी अभी आपके क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. स्पेंड योर टाइम ऑन थिंकिंग एंड आस्क मी द डाउट. चलो फिर आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री इज असर्शन इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इफ वाई वन एंड वाई टू आर वैल्यूज ऑफ वाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू रिस्पेक्टिवली देन एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू. यू ऑल्सो रीड इट. यस एनी डाउट? बेटे मन में कोई भी डाउट है ना खड़े हो कि इमीडिएट पूछ लो, ठीक है? दिस चैप्टर इज गोइंग ऑन, अभी आपका योर माइंड इज रोमिंग अराउंड इन दिस और आपके एग्जाम में भी आना है ये चैप्टर. जितने भी आपके डाउट्स हैं अभी क्लियर कर लो. थर्ड क्वेश्चन. प्लीज रीड द स्टेटमेंट, टेल मी दिस इज ट्रू और फॉल्स. सेशन इज ट्रू. रेज योर हैंड जो जो बोल रहे हैं ट्रू है. यस वेरी गुड. यस दिस इज ट्रू. वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट. यस ये डेफिनेशन है इसकी, यही तो पूरे चैप्टर में यही तो स्टोरी है. अगर ये स्टोरी आपको समझ आ गई तो बस योर चैप्टर इज डन. वेरी गुड, हैंड्स डाउन. आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो चीजें वेरी कर रही हैं, अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वेरी कर रही है तो उनकी रेशियो सेम होगी, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है. दिस इज ट्रू. रीजन क्वांटिटीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. प्लीज रिमेम्बर जब मैंने फर्स्ट डे आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक मदर्स एज वाला और सन्स एज वाला. डू यू रिमेम्बर? नोटबुक में देखो एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था जब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हम डेफिनेशंस कर रहे थे. उसमें मैंने आपको बताया था कि मेन एंड सॉरी मदर्स एज और उसकी सन की जो एज है बोथ आर इंक्रीजिंग, ठीक है? बट दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. रीजन लिखवाया था कि उनका जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है, एवरी टाइम के नहीं आ रहा. उसमें एक्स वन बाय वाई वन जो था वो एक्स टू बाय वाई टू के इक्वल नहीं था और वो एक्स थ्री बाय वाई थ्री के इक्वल नहीं था. मैंने आपको टेबल पूरा जो लिखवाया था मदर्स एज और सन्स एज वाला, प्लीज खोल के देखो जरा नोटबुक और बताओ मेरे को दिस इज ट्रू और फॉल्स. एग्जाम्पल आपके सामने है. फॉल्स. दिस इज फॉल्स. यस क्वांटिटीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नीड नॉट ऑलवेज बीन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. दिस इज ट्रू. सॉरी ट्रू होना चाहिए ना, नीड नॉट. नीड नॉट है वहां पे, इसका मतलब कि वो हमेशा डायरेक्ट नहीं होगा. किसी किसी केस में जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे ट्री ग्रो करता है, ठीक है? ट्री की प्लांट की हाइट बढ़ती है ना, पहले वो थोड़ा सा बड़ा प्लांट बनता है फिर और बड़ा फिर और बड़ा फिर वो ट्री बन जाता है. तो उसकी जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है और नंबर उसकी जो हाइट है क्या वो सेम होती है? या ट्री की जो थिकनेस कह लो, उसकी जो सराउंडिंग होती है थिकनेस ऑफ ट्री इज इट इक्वल टू द हाइट ऑफ दैट? उनकी रेशियो सेम होती है? ग्रो तो उसकी थिकनेस भी कर रही है, ग्रो उसकी हाइट भी कर रही है, क्या वो प्रोपोर्शनली होते हैं? मैम नो. नो, प्रोपोर्शनल नहीं होते. वैसे ही मैंने मदर्स एज और सन्स एज वाला सबने लिखा हुआ है वो क्वेश्चन, वो टेबल जो मैंने बताया था मदर्स एज और सन्स एज वाला नोटबुक पे लिखा हुआ है बेटे आपने. मैम यस उसमें मैंने आपको बताया था कि उनकी रेशियो सेम नहीं आ रही है.
फाइन, एक में मैंने आपको 35, मेरे को जो याद आ रहा है मैंने आपको बताया था, एक उसकी 30 एज है, उसका 4 एज है, 5 ईयर्स के बाद मदर की एज 35 हो जाएगी, सन की एज 9 हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर्स मदर की 40 हो जाएगी तो सन की 14 हो जाएगी। क्या उनकी रेशियो सेम आ रही है तीनों की? नहीं आ रही, इंक्रीज तो दोनों हो रहे हैं बट उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा, इसलिए दे आर नॉट इक्वल, इसलिए दे आर नॉट डायरेक्ट। इज इट क्लियर? एनसीईआरटी की बुक में स्पेशल एक लाइन भी लिखी हुई है, दे हैव टोल्ड कि दे नीड नॉट बी, ऑलवेज नहीं होते। ओके, सो दिस इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, तो इसकी भी ऑप्शन आएगी बी। बेटा असर्शन रीजन 3 ही क्वेश्चन है, प्लीज घर जाके दोबारा रिवाइज करना, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी टुमारो ऑल्सो, प्लीज रीड इट डीपली। ओके, यहीं पे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होता है असर्शन रीजन में, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो कम टू केस स्टडी क्वेश्चन, प्लीज रीड इट। अब आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, अपनी डाउट्स जो है आप घर पे भी तैयारी कर रहे होंगे, जो जो डाउट्स हैं इस चैप्टर के बारे में जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, यू कैन आस्क मी एनी डाउट। ओके, क्योंकि जो चैप्टर आपने करना है वो बहुत अच्छे से करना है। चलो केस स्टडी क्वेश्चन बेटा, प्लीज रीड इट। द स्टूडेंट्स ऑफ अंजूस क्लास सोल्ड पोस्टर्स टू रेज मनी। ठीक है, क्लास ने कोई पोस्टर्स ड्रॉ किए, जिनकी ड्राइंग अच्छी थी उन्होंने पोस्टर्स बनाए और फिर उसको सेल किए और मनी ली। ठीक है, दे अर्न द मनी फ्रॉम इट। अंजू वॉन्टेड टू क्रिएट अ रेशियो फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ मनी हर क्लास वुड मेक फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्टर्स। ठीक है, शी प्लान द टेबल कि कितने पोस्टर्स उन्होंने सेल किए और कितने मनी उनको मिली। फाइन, शी न्यू दे कुड रेज ₹250 फॉर एवरी 60 पोस्टर्स। अब यहां पे मनी हो रही है नंबर ऑफ पोस्टर्स की और मनी की। ठीक है बेटे, तो प्लीज मेक द टेबल, स्टार्ट करो ये करना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको सारे आते हैं। ठीक है, थोड़े से बिगनिंग में आपको बताती हूँ कि हाउ टू राइट इट। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्टर्स एंड मनी, नंबर ऑफ पोस्टर्स एंड मनी। ओके बेटा, ये दो चीजें आपने राइट डाउन इन टेबल। प्लीज मूव योर हैंड, जितना लिखोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा, दूसरे को सुन के तो समझ आ ही जाता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग कब होती है जब हम अपने हाथ से लिखते हैं। ओके चलो स्टार्ट राइटिंग, इस क्वेश्चन में आपके पास बात हो रही है नंबर ऑफ पोस्टर्स की और 250 की। अब आप मेरे को बताओगे कि कौन सी टेबल में क्या क्या आएगा, आई एम मेकिंग द कॉलम्स हियर, आप ही बताओगे मेरे को। ठीक है, यू कैन कंप्लीट इट। फाइन, व्हाट शुड आई राइट इन फर्स्ट कॉलम? मैम 60 नंबर ऑफ पोस्टर्स, वेरी गुड, और नीचे मनी आपके पास है 250, टू फिफ्टी वेरी गुड, ये तो गिवन चीज थी हमें, हमने लिख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी वुड अंजुस क्लास मेक फॉर सेलिंग 102 पोस्टर्स? व्हाट शुड बी कमिंग हियर, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 102 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं, अभी कॉलम तो आगे भी है, सिर्फ ए पार्ट को अभी सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले तो माइंड में ये सोचो कि आर दे डायरेक्ट, यस प्लीज टेल मी बेटा, 8 थे में, यस जिस बच्चे ने हाथ खड़ा किया हुआ है, वेरी गुड, बता दो आंसर मैम आंसर इज 425 इज 425, किस किस ने निकाल दिया, रेज योर हैंड, वेरी बाय गुड, डायरेक्टर। योर आंसर इज परफेक्ट, जस्ट टेल मी कि आपने प्रॉपर वे में उसको 2 स्टेप्स में किया है कि नहीं, वो लिखना बहुत जरूरी है, आपको मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आप यहाँ पे प्रॉपर स्टेप में x1 by y1 करके उसका वैल्यू निकालते हैं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं। बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यस, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और 425 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, मेरे को पता चल गया। बी पार्ट, कुड अंजुस क्लास रेज एग्जैक्टली 2000? क्या 2000 हो सकते थे? हाउ मच पोस्टर्स वुड दे नीड टू सेल इट?
एनी अदर चाइल्ड फ्रॉम 8 थी एनीबडी 480 480 किस किसने कर लिया? बहुत सारी आवाजें आ रही है, मेरे को हाथ खड़े करके बता दो। एक्सेलेंट 480। यस दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें आपका वो भी नहीं है। यू कैन राइट डाउन 480 पोस्टर पोस्टर्स। ठीक है, बी का आंसर आ रहा है 480। वेरी गुड। क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। इफ अंजूस क्लास इज एबल टू रीच 2300, हाउ मेनी पोस्टर्स हैव दे सोल्ड? सेम क्वेश्चन फिर से, कितना 52 आ रहा है? 552। 552, वेरी गुड। 552 बेटा, आपने आंसर बहुत जल्दी बताए हैं, बट प्लीज माइंड इट, आपको मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आप उसको स्टेप्स में लिख के बताओगे। सिर्फ एक आंसर लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, वट एवर यू आर डूइंग डू इट इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन, रफ वर्क में नहीं करना। ठीक है, वे ऑफ राइटिंग मैंने आपको बता दी इससे पहले, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रेशियो फॉर्म में लिखोगे, दो तीन स्टेप में लिख के फिर आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का। यू शुड नो कि हमें इतने स्टेप्स लिखेंगे तो टीचर को जो है मार्क्स, टीचर विल फाइंड इजी टू गिव यू मार्क्स। ओके बच्चे, आई वॉन्ट कि इजी चैप्टर है, आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए इसमें। चलो कम टू लास्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। पहले से ही दिया हुआ है उन्होंने कि एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। जैसे ही दिया होता है आपके माइंड में क्या आता है? जैसे ही दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई डायरेक्टली मूव कर रहे हैं, व्हाट डू यू फाइंड इन, व्हाट वुड यू थिंक? जैसे ही आपको ये दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई जो है वो डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इमीडिएटली आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे टेबल में आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उस टेबल में आपके पास 2.5/5 शुड बी इक्वल टू x/8, शुड बी इक्वल टू, इसको लिखो x1, इसको लिखो x2, वी कैनॉट मेक इट y, डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 15/y। ओके, ये आपके पास रेशियो टेबल बन रहा है जैसे ही आपको पता चल गया कि वो डायरेक्ट है। सबकी रेशियो सेम आएगी, हमें एक ही फॉर्मूला पता है कि डायरेक्ट में है, तो हमने लिखना है कि एक्स बाय वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब उनकी वैल्यू सबकी सेम आएगी। ठीक है, अब हम सबको इकट्ठा तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम एक एक करके लेंगे। पहले हम इन दोनों को लेंगे और यहां से x1 की वैल्यू निकाल लो। वेरी गुड, सेकेंड बेंच पे जो गर्ल बैठी है 8 थे, वेरी गुड। मैम 4 इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर, यस x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, वेरी गुड। आपके फर्स्ट जो मिसिंग वैल्यू है वहां पे एक्स इज इक्वल टू आएगा 4, फर्स्ट वाले 4/ यू कैन से 8 जो फर्स्ट वाला कॉलम है। ओके, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा? 6 12 है यहाँ पे, फिर से 2.5 के साथ कर लो या इसके साथ कर लो, इन दोनों को इकट्ठा कर दो क्योंकि अब आपको वैल्यू पता चल चुकी है। इट इज कमिंग आउट टू बी 6, 6/12, वेरी गुड। अभी आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम बॉयज, 8 थे में जो बॉयज बैठे हैं, आई वुड लाइक टू कॉल यू, लास्ट आंसर 15/15 इज गिवन टू यू। यस, बॉयज में से 8 थे, कौन आंसर बताएगा? यस 8 थी सेक्शन, यस यस बता दो बेटा। फर्स्ट बॉय, यस 7.5। नो बच्चे, हाउ डिड यू डू, कैसे किया आपने, चेक करो एक बार दोबारा से। 8 थे में एनीबडी बॉयज, यस वेरी गुड। आ जाओ फर्स्ट बेंच बॉयज, 30, M30 वेरी गुड, 30 इज द राइट आंसर। प्लीज करेक्ट इट, 8 थी बच्चे, प्लीज चेक करो आपकी मिस्टेक कहाँ पे है आपकी कैलकुलेशन। बेटा आपको बस रेशियो देखना है कि सबके रेशियो, ये मैंने आपको पूरा जिस्ट बता दिया पूरे इसका क्वेश्चन का,
पूरा क्वेश्चन जो आपके पास इतनी चीजें उसमें मिसिंग है, आपके जिस ट्री है कि सबकी रेशियो सेम होनी चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट है। ओके, द मोमेंट दे हैव रिटन डायरेक्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यस, उनकी जब हम अपॉन में लिखेंगे वो सेम ही आंसर आएगा। सेम आंसर क्या आएगा वो नहीं हमें पता, बट हमें ये पता कि सारे वो इक्वल है। दो दो करके उनको इक्वल लिखते जाओ और फाइंड आउट करते जाओ। ठीक है, दिस इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, देन बी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? थिंक यस बेटा, ओके आई विल हेल्प यू इन दिस। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ए इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, देन बी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आपने स्क्वायर रूट का चैप्टर किए, तो बी किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए। डू यू रिमेम्बर? अगर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए आएगा, डू यू रिमेम्बर ऐसे किया हुआ आपने स्क्वायर रूट के चैप्टर में? ओके, सेकंड ब्लैंक, बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√Q, देन क्यू इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जैसे आप इक्वल के साइन को डील करते हो ना बेटा, वैसे ही इसको करो। आप इमेजिन करो रफ में कि वो इक्वल है, तो क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा? एनी गेसेस? सपोज कर लो आपके पास पी इज इक्वल टू 1/√Q है, तो फिर क्यू किसके इक्वल होगा? यू नो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा? अगर मैं क्यू की बात करूं, इट विल बी 1/P² राइट इन रफ ऑल्सो। आपको पता चलेगा कि ये कैसे बन रहे हैं आंसर इसके। ओके, प्लीज राइट दिस ऑल्सो। सो इट विल बी इक्वल टू 1/P² थर्ड क्वेश्चन, इफ एम इज प्रोपोर्शनल टू, एम इज प्रोपोर्शनल टू एन रेज टू पावर 1/3। आपने क्यूब रूट का चैप्टर भी किया है, क्यूब रूट में 1/3 को उधर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा उसका? एन विल बी प्रोपोर्शनल टू, इसका आंसर तो बता ही दो अब, एम की पावर क्या बनेगी? क्यूब। आपको पता है कि 1/3 जब उधर ट्रांसफर होगा तो उधर जाके 3 बन जाएगा, या ये क्यूब रूट है वो क्यूब बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर रूट था, उधर जाके स्क्वायर बन गया था, वैसे क्यूब रूट ट्रांसफर होके उधर क्यूब बन जाएगा। दैट्स इट, प्लीज मार्क इट। आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं बिफोर क्लोजिंग योर रजिस्टर, बिफोर क्लोजिंग योर असाइनमेंट, जब तक आपकी बेल नहीं होती है, आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, एनी बडी वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? क्विकली रिवाइज कर लो सारे क्वेश्चंस को। बहुत अच्छा मौका मिला है आपको, आपका चैप्टर रिवाइज हो रहा है, यहाँ पे आपकी रिविजन हो रही है पूरे चैप्टर की, एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है काइंड ऑफ। ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी की आपको मौका मिला है, अभी अभी अपने डाउट पूछ लो। यस बेटा, आगे आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस, एसर्शन रीजन का थर्ड। एसर्शन रीजन का थर्ड का पूरा क्वेश्चन मैम? ओनली एसर्शन। ओनली एसर्शन। इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इफ y1 एंड y2 आर द वैल्यूज ऑफ y corresponding to values of x1 and y x2, इसका मतलब क्या है?
एक्चुअली ये आपका टेबल है, सपोज ये टेबल चल रहा है आपका, ठीक है। दे आर सेइंग इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि अगर ये डायरेक्ट है, इफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये हमारे पास एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है। ये तो आपको पता चल गया ना कि इसकी पोजिशन कहाँ पे होती है, ठीक है। अब आपके पास जब ये बता दिया कि वो डायरेक्ट है, तो आप इसमें फॉर्मूला लिख सकते हो कि एक्स वन बाय वाई वन विल बी इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू। आप चेक भी कर लो, 4/8 क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2, 6/12 क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। आर दे इक्वल? यस इट मीन्स यही बात वो उसमें assertion में बोल रहे हैं कि एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू इफ दे आर डायरेक्ट, ठीक है। वी हैव प्रूव बाय एग्जाम्पल ऑल्सो, ओके। यू नीड नॉट प्रूव ओवर देयर, आप डायरेक्टली लिख दो। अगर वो डायरेक्ट बोल रहे हैं तो आप बोलो कि यस ये होता है, ओके। आप ट्राई करो, कोई भी क्वेश्चन में ट्राई करो, ऑफ कोर्स वो इक्वल आएगा, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। डाउट इज क्लियर? ऑल यस राइट, एनीबडी एल्स? आई नो जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं दे अपने डाउट साथ के साथ क्लियर कर लेते हैं। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, यस। सेकेंड असर्शन रीजन, दिस रीजन सेकेंड असर्शन रीजन में रीजन, यस। इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है, ओके। एक्स एंड वाई डायरेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज जो अभी अभी मैंने आपको बताई थी कि अगर डायरेक्ट दिया होता है तो हमारा इमीडिएट हमारा फोकस कहाँ जाता है कि एक्स बाय वाई विल बी इक्वल टू के, हमें ये पता चल गया उससे व्हेन दे आर डायरेक्ट। नाउ दे आर सेइंग देन 1/x एंड 1/y, इसके बारे में हमने चेक करना है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्योंकि हम इसको ट्रू या फॉल्स बताना चाहते हैं, ठीक है बेटे। अब 1/x एंड 1/y को मैं चेक करना चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी, इनकी रेशियो चेक करूंगी। इनकी रेशियो क्या आएगी, y बाय एक्स। यहां से मेरे को पता है, फर्स्ट से पता है कि x बाय वाई इज इक्वल टू के है, तो यहां से y बाय एक्स इसका उल्टा हो जाएगा, 1/k हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, विच इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स बाय वाई। यू कैन से एक्स बाय वाई इज नॉट इक्वल टू वाई बाय एक्स। इसमें के आ रहा था, इसमें 1/k आ रहा था, इसलिए दे आर नॉट इक्वल, इसलिए दे आर नॉट डायरेक्ट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्ट। प्लीज राइट डाउन, दिस इज नॉट इन बुक, आपको बुक में भी नहीं ये चीज मिलेगी। आपका डाउट यहां पे क्लियर होना चाहिए कि वाई दे आर इनडायरेक्ट, क्योंकि वो कांस्टेंट उनका सेम नहीं है। ठीक है, रीजन लिख के रखो उसको, फिर आपको पता चलेगा कि व्हाई वी डिड दिस। वेरी गुड, एनीबडी एल्स? मैम थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू, ओके, यस। ये भी पूछ रहे, यू आर आस्किंग मी स्मार्ट क्वेश्चंस, मुझे पता है ये क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है, थोड़े से डिफरेंट है ये। एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई स्क्वायर, जब आपको ये बता दिया कि एक्स वेरीज एज वाई स्क्वायर, इसका मतलब आप एक्स वन की जगह एक्स को ले रहे हो और वाई वन की जगह वाई स्क्वायर को ले रहे हो, ओके। प्लीज माइंड इट, क्योंकि अब आपकी डेफिनेशन आपके माइंड में है, आपको ये पता चल गया कि जब एक्स और वाई स्क्वायर जब डायरेक्ट हैं तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक्स बाय वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है बेटे। दे हैव सेड ओके एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई स्क्वायर, तो अब हमें एग्जाम्पल दिया हुआ था कि एक्स इज इक्वल टू 4 है और वाई इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, 5 का मतलब 25 है, 4/5। नेक्स्ट केस में दे आर सेइंग कि फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 15, फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 15। अभी 15 नहीं लेना, हमने 15 स्क्वायर लेना है, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही थी, हमें ही फॉर्मूला में स्क्वायर दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी 4/25 इज इक्वल टू एक्स बाय 225, 15 का स्क्वायर।
इज इट क्लियर? यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी। आई थिंक इसका आंसर क्या आ रहा था, 36 आ रहा था। आई एम रिपीटिंग इट, लास्ट टाइम में आपको ये बता रही हूं कि अगर हमारे पास दो चीजें डायरेक्ट दी हुई हैं तो उनका रेशियो जो है वो दूसरे के रेशियो पे इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एक्स और वाई स्क्वायर की बात हो रही थी, इसलिए हम वाई की जगह वाई स्क्वायर ले रहे हैं। ये भी तो 5 स्क्वायर के इक्वल था। 4/5 स्क्वायर इज इक्वल टू x/15 स्क्वायर। ओके, वाई वी हैव टेकन स्क्वायर क्योंकि हमने दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई स्क्वायर जो है वो डायरेक्ट है, इसलिए हमने वाई स्क्वायर के बारे में सोचा। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में वाई क्यूब दिया होता तो आप वाई क्यूब की वैल्यू लिखते हैं यहां पे। अगर आपको दिया होता कि एक्स स्क्वायर एंड वाई डायरेक्ट है तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर यूज करना पड़ना था आपको। इज इट क्लियर? समझ आ गया बेटी? यस वेरी गुड। अभी भी सोच लो, टाइम है अभी। डेप्थ में आपकी क्लैरिटी हो रही है इस चैप्टर की, ठीक है? कैलकुलेशन तो आपको करनी आती है, आपको सारे अपने बुक के सारे क्वेश्चन आते होंगे, मेरे को पता है। पर हम मेरे से पढ़ने का क्या फायदा है आपको कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता चल रहा है आपको, डीप में चैप्टर पता चल रहा है कि ये वाई स्क्वायर को हमने क्यों यूज किया, 5 को 25 क्यों किया और 15 को हमने 225 क्यों किया। वेरी गुड। ये 10-12 क्वेश्चन अभी अभी देख लो, इसको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके पूरे में। क्लैरिटी कर लो, पूरे की पूरा मॉड्यूल अभी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यस पूछ लो बेटा, दे दो उसको माइक। यस बी ब्रेव इन आस्किंग। यस आई एम वेटिंग फॉर यू। दे दो उसको माइक बेटा, वट एवर शी वॉन्ट्स टू आस्क। बेटे कल हमने इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन करने हैं सेकंड मॉड्यूल में, बट मैं यही क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। ये नहीं कि इनडायरेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट माइंड से निकल गया, जब डायरेक्ट कर रहे हो तो इनडायरेक्ट माइंड से निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके मैम। हाँ जी पूछो बेटा, एनीबडी एल्स? 8C आपने पहले देखा था सारा, ये नोट किया है बेटे सारा काम? ओके मॉड्यूल देख लो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस फटाफट रिवाइज कर लो। मैंने तो आपको खत्म करवा दिया मॉड्यूल, अभी आपने डाउट्स पूछने हैं। आज वाले जो क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी। माइक लेके आओ। यस यस वेरी गुड। यस इट मींस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? यस वेरी गुड। एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे डायरेक्ट वाली क्वेश्चंस? वेरी गुड। ये जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन था बेटा, इसमें भी आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आपने जल्दी में नहीं करना। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसका टेबल रफ में बना लो, ठीक है, और उनको रेशियो फॉर्म में लिख लो। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिर तो आपको सामने करना ही पड़ेगा। टेक केयर ऑफ योर कैलकुलेशन, टेक केयर कि ऊपर न्यूमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है। ओके दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी मैम, मैम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट थर्ड सब्जेक्टिव का जो फिलिंग द ब्लैंक्स है बेटा, मैम, यस पार्ट सेकंड एंड थर्ड।
सेकेंड एंड थर्ड यस। अब इसमें हमें बेटा ऑलरेडी दिया हुआ था कि एक्स एंड वो वेरी कर रहे हैं, डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। जब पहले से ही हमें दिया हुआ है कि एक्स और वाई डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू इज इक्वल टू एक्स थ्री बाय वाई थ्री इज इक्वल टू एक्स फोर बाय वाई थ्री। जितने भी हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना, हमें ये पता चल गया कि ये मेरी डेफिनेशन बता रही है कि वो डायरेक्ट है। इसका मतलब सारे के सारे रेशियो आपस में इक्वल है। अब सारे के सारे रेशियो में हमें यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है। सिर्फ फर्स्ट वाले में मेरे को पता है कि ऊपर 2.5 है और नीचे हमारे पास 5 है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका डेसिमल हटा दो यहाँ से, नीचे 50 आ गया। 5 से यू कैन कट, 5 5 जो 25, 10, 5 2 जो, इसका मतलब इसकी रेशियो आ रही है 1/2। फर्स्ट की जो रेशियो आ रही है 1/2 आ रही है, तो ऑफ कोर्स सेकंड की भी 1/2 आएगी। तो सेकंड वाले की बात करते हैं, इसमें ये मिसिंग था। इसमें था कि एक्स टू डिवाइडेड बाई 8 शुड बी इक्वल टू 1/2। क्यों किया आपने 1/2? बिकॉज दे आर डायरेक्ट, हमें पता है कि वो आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ओके, यहां से यू कैन फाइंड एक्स टू इट इज इक्वल टू 8/2। दिस इज इक्वल टू हमारे ये जो वैल्यू आ रही है, इसको आप 2.5 बाय 50 इज इक्वल टू यू कैन डू x2 बाय y2। ठीक है, 2.5 बाय 50 हमारे पास क्या आ रहा था? 1/2। एक्स टू हमारे पास क्या था? एक्स टू डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी यहां से? एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी? 4। तो इसलिए वहां पे ब्लैंक में 4 आया है। इज इट क्लियर? ओके, सिमिलरली आपके एक्स थ्री बाय वाई थ्री है। ये चीज आपके माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए। जब ये आपके माइंड में है तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। गो अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, डायरेक्टली दिया है, इमीडिएटली ये लिख लो, उसके बाद वैल्यूज पुट करते जाओ। सिमिलरली थर्ड वाला, डैश बाय 12। डैश बाय 12 हमें पता है कि वो 1/2 तो था ही, और डैश बाय 12 यहां से वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? एक्स इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6। ऊपर 6 लिख दो। क्लियर हो गया बेटे डाउट? किसने पूछा था? रेज योर हैंड। वेरी गुड, इज इट क्लियर टू यू? ऑल यस राइट, चलो टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम डायरेक्ट एंड वी विल डू इनडायरेक्ट आल्सो। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। यस।